उठो भाई उठो भाई। क्या हो गया भाई? मैंने उसको देखा, मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने हर्षिता भाभी को देखा। तो चुप रहे, जय ने तुझे ये बोलने के लिए कहा ना? देव हाँ, मैंने अभी भाभी को यहाँ से गुजरते हुए देखा। मैं भी तो कब से यही बात बोल रहा हूँ ना। जय भाई, राधे भाई, जय भाई। डोरबेल। आइए सर। बैठिए ना सर। सर डॉक्टर जी यही है। आपकी वाइफ हर्षिता कल ट्रेन से कट के मर गई। ये एक्सीडेंट नहीं,
सुसाइड है। इसी विषय पर बात करने के लिए हम यहाँ हैं। सर, वो कल रात को नहीं, एक साल पहले ही ट्रेन से कटकर मर चुकी है। अब वो भूतनी बनकर यहाँ वहां घूमती रहती है। ये क्या बकवास कर रहे हो? हाँ सर, वो भूतनी है। देव भाई, वो उस दिन पेपर दिखाया था ना, जिसमें हर्षिता के ट्रेन से कटकर खुदकुशी करने की न्यूज छपी थी, जल्दी से वो पेपर लेकर आओ। कौन सा पेपर भाई? अरे वो जिसपे हर्षिता की फोटो छपी थी, दिखाया था ना। जाओ, टाइम वेस्ट मत करो, जल्दी लेकर आओ, इनको भी पता चल जाएगा। ये आप क्या बात कर रहे हो भाई? राधे भाई, जय भाई कौन से पेपर की बात कर रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। सर, वो जय को थोड़ा प्रॉब्लम है, ट्रीटमेंट चल रहा है। अब कभी कभी नाइट में ये थोड़ा मेंटल हो जाता है, अपने कंट्रोल में नहीं रह पाता है। तो कन्नन, मैंने कहा था ना, इसके टॉर्चर को सहन न कर पाने के कारण हर्षिता ने ट्रेन के आगे कूदकर खुदकुशी कर ली। सर, मेरी बात का भरोसा कीजिए, उस भूतनी की वजह से ही लोग उल्टा सीधा बोल रहे हैं। ये सब उसी का किया धरा है सर, मैं उसको अच्छी तरह से जानता हूँ। तुम्हें अब जो कुछ भी कहना है ना, पुलिस स्टेशन चलकर कहो। सर प्लीज, मैं मिस्टर, चुपचाप हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलो। सर, मैंने आपको बताया ना, इसका थोड़ा सा मेंटल प्रॉब्लम है और ट्रीटमेंट भी चल रहा है। क्या मुझे पागल पागल बोलता रहता है? हमारे सामने मिसबिहेव कर रहा है, चल मेरे साथ पुलिस स्टेशन। मैं आप लोगों के साथ नहीं आ सकता। क्यों, इज्जत से कह रहा हूं तो समझ में नहीं आ रहा? सिर्फ हर्षिता ही नहीं, तेरी लवर शालिनी का भी केस तेरे पे ला दूंगा। चल चल, हाथ हटाइए सर। क्यों, धमकी दे रहा तू मुझे? हाथ हटा, सर को हाथ लगाता है। पीछे पीछे रह। रुक जाओ, मैं देखता हूँ, ये नॉर्मल कंडीशन में नहीं है, इसको मेंटल प्रॉब्लम है। अगर दोबारा मुझे पागल कहा तो सर फोड़ दूंगा। नहीं कन्नन, रुक जाओ। आना, रुक जाओ। चल पीछे, मेरे हाथों से ही होगी। इसे अरेस्ट नहीं कर सकते, हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ेगा। ओके सर। हेलो इंस्पेक्टर। हेलो। जय साइकोलॉजी के लिए थोड़ा डिस्टर्ब चल रहा है। हिज माइंड इज नॉट इन हिज कंट्रोल, इसलिए ऐसा वो गलत व्यवहार कर रहा है। वेरी सॉरी, प्लीज डोंट माइंड इट। यस डॉक्टर, आई अंडरस्टैंड, प्लीज कैरी ऑन, प्लीज। ओके सर, थैंक यू। सर। हेलो डॉक्टर। बोलिए सर। जय में कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ? नो सर, नो इम्प्रूवमेंट। He needs special treatment for his mental illness. इसलिए जय को KMC में शिफ्ट करना जरूरी है। डॉक्टर, मुझे आपकी हेल्प चाहिए। कहिए सर। Within 2 days में जय को अपने खानदानी जायदाद की लीगल रजिस्ट्रेशन करानी है। आप तो खुद जानती हैं, पिछले 3 पीढ़ियों से कुछ न कुछ रजिस्ट्रेशन में रुकावट आ रही है। वसीयत के हिसाब से ये आखिरी डेट है। अगर किसी वजह से रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ, पोस्टपोन हुआ, तो जय को मिलने वाली 150 करोड़ की उसकी खानदानी जायदाद उसे नहीं मिलेगी। सो रजिस्ट्रेशन होने तक 2 दिन तक आप उसे अपने अस्पताल में ही रखिए। जय के फ्यूचर के लिए मुझे आपसे हेल्प चाहिए। श्योर सर। थैंक यू डॉक्टर। और डॉक्टर, एक और इम्पोर्टेंट बात, रजिस्ट्रेशन होने तक जय के मेंटल प्रॉब्लम के बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। डेफिनेटली सर। ओके डॉक्टर, थैंक यू। वेलकम सर। हाँ, उसे स्पेशल ट्रीटमेंट देनी होगी, मैं उसकी फाइल तुम्हें दिखा देती हूँ। Come in. अंदर आइए ना, अंदर आ जाओ, दरवाजा खुला है।
सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन ऑफिस में रेडी हो गया है, मैं जाकर लेकर आता हूँ, तुम जाकर कपड़े चेंज कर लो। मैं आज बहुत ज्यादा खुश हूँ। फ्राइडे को रजिस्ट्रेशन होने के बाद जय की 150 करोड़ की प्रॉपर्टी मेरी हो जाएगी, और यही था हम दोनों का प्लान, जय को मेंटल साबित करके मेंटल हॉस्पिटल पहुँचाना, और उसके बाद जय की सारी जायदाद 150 करोड़ मेरी हो जाएगी। मैं और राधे अपनी पसंद की जिंदगी बिताएंगे। पासवर्ड क्या है? पासवर्ड क्या है? M-O M-O N-E-Y मनी। मैं आज बहुत ज्यादा खुश हूँ। फ्राइडे को रजिस्ट्रेशन होने के बाद जय की 150 करोड़ की प्रॉपर्टी मेरी हो जाएगी, और यही था हम दोनों का प्लान, जय को मेंटल साबित करके मेंटल हॉस्पिटल पहुँचाना, और उसके बाद जय की सारी जायदाद 150 करोड़ मेरी हो जाएगी। मैं और राधे अपनी पसंद की जिंदगी बिताएंगे। मेरे जिंदा होने के बाद भी ट्रेन से कट के मरने की मेरी खबर न्यूज़पेपर में छपेगी, ये कुछ ज्यादा ही फनी नहीं लग रहा है? जय को मेंटल साबित करके उसकी जायदाद हड़पने का मेरा और राधे का प्लान है, इसलिए जय को कंफ्यूज करके मेंटल करने का काम शुरू कर दिया है। ए, जय की कार आ रही है, तुम लोग हेलमेट पहनो। जय और शालिनी की शादी होने वाली है जिसे हमने स्पॉइल कर दिया। मैं शालिनी के घर गई थी। नमस्ते दीदी। आओ शालिनी, आपका 1 घंटे से इंतजार कर रहे हैं। मैं अभी आती हूँ। आप बैठो, मैं थोड़ा कैंडी क्रश खेल लेता। कैंडी क्रश मतलब? तुम इसके बारे में नहीं जानते? ये तुम्हारी बेटी है क्या? बहन है सर। इसके लिए काम मांगने आए हो क्या? ओके ओके। बाप
अंकल 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 ए! मैंने बहुत आसानी से जय को कंफ्यूज करके मेंटल करना शुरू कर दिया है। तो ये था हमारा प्लान, जय को भूत बंगले में बुलाएंगे। आइए आगे का कैरेक्टर तुम निभाओगे। इस घर में तो कोई नहीं रहता। ऊपर ही तो रहती है मेरी पोती। आप यहाँ अकेले रहते हैं क्या? आपकी पत्नी को क्या हुआ? प्रॉब्लम क्या है बताइए ना, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जवाब क्यों नहीं दे रहे? सुनिए सुनिए, कौन है आप? आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ, यहाँ आइए। जय के प्लान में आसानी से फंसने वाले थे, बस बच गए। जस्ट अ मिस। ए, मैं सीरियस बात कर रहा हूं यार। हाँ बोलो ना देव। हेलो, मैं बात कर रही हूँ। हाँ बोलो डार्लिंग। संभाल के बात करो, बकवास मत करो। हाँ मैंने प्लम्बर से बात कर ली है, वो 2 घंटे में आता ही होगा। ओके डियर, जैसा प्लान किया है वैसा ही करो। हाँ सब हो जाएगा, डोंट वरी। ओके ओके बाय। ए एक मिनट, एक मिनट। किस लिए? मुझे दे। अब भाभी जय आपसे बात करना चाहता है। हेलो हेलो हेलो, बोलिए ना। सॉरी, ये आप क्या कह रहे हैं? सॉरी, चुप रहना यार।
मैं बहुत खुश हूँ। फ्राइडे को रजिस्ट्रेशन के बाद जय की 150 करोड़ की प्रॉपर्टी मेरी हो जाएगी। ए, ये क्या किया तूने? जय को मार दिया? जय, ए, जय, क्या हुआ तुझे? बहुत प्यार जता रहा है? मैंने पहले ही कहा था कि इसे मारकर हम दोनों इसकी जायदाद हड़प लेंगे, लेकिन तू ये बात नहीं माना। तू बोल रहा था कि इसकी जायदाद ले लेंगे पर इसे मारेंगे नहीं। तेरा प्लान ही घटिया था, और अब इसके मरने के बाद ही इसकी जायदाद हमें मिलेगी। तुझे कुछ समझ में आ रहा है? हे, प्लीज जय को मत मार। ना मारू, इसे जिंदा छोड़ के मुझे जेल जाना है क्या? हाँ, तेरी बात सुन सुन के मेरी जिंदगी स्पॉइल हो गई है। मैंने अपनी जिंदगी कितनी मुश्किलों में जी है कुछ पता है तुझे? गरीबी क्या होती है कुछ पता है? सिर्फ 2 दिन में 150 करोड़ हमारे हाथ में आने वाले थे। सारा प्लान चौपट हो गया, चौपट हो गया सारा प्लान। ए, अब पैसा चला गया ना तो मुझे तू भी नहीं चाहिए। मर जा, मर जा। भाई को बचाने आया था ना, तुझे भी मर जाना चाहिए।
देखो शालू, तुम्हें मना किया ना मेरा फोन यूज मत करो, दो। नो शालू, दैट्स नॉट अ टॉय। डैडी ने तुम्हें एक फोन दिया था ना, तुम उससे खेलो। ये दो खुश हूँ। फ्राइडे को रजिस्ट्रेशन होने के बाद जैकी सारी प्रॉपर्टी मेरी हो जाएगी। मैं और मेरा बॉयफ्रेंड खुशी खुशी जिएंगे। जैकी 150 करोड़ की सारी प्रॉपर्टी मेरी हो जाएगी। उसके बाद मैं और राधे खुशी खुशी जिएंगे। मैंने ये सब करने के लिए कितना कुछ नहीं किया पता है आपको? मैंने सबको मार दिया, डॉक्टर को भी मार दिया और उसके अंकल को भी मार दिया। शालू, मम्मी सॉरी। चलो खाना खाते हैं।